खाली बंदूक दुकान के कैमरा का डीवीआर खोजने के और एक कार्डी एक कार्ड नमस्कार, आप देख रहे हैं SN Live। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के राजधानी पटना से आ रही है, जहां बड़ी लूट की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। अपराधी ज्वेलरी शॉप को निशाना बना रहे राजीव नगर के बाद बाकरगंज में बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बता दें, 5 हथियारबंद अपराधियों ने बाकरगंज के ज्वेलर्स में डकैती की। बताया जा रहा है कि बदमाश अपने साथ करीब 10 करोड़ के आभूषण ले गए हैं। दिन दहाड़े हुई वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं 5 अपराधियों में से एक को पकड़ लिया गया। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर गांधी मैदान की पुलिस पहुंच मामले की जांच में जुट गई है। इस घटना के बाद व्यापारी विरोध में उतर आए हैं, सड़क पर आकर दुकानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे SN Live। मेरा नाम अरुण कुमार वर्मा है, ऐसे संथाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष। अब तो पूरे बिहार में व्याप्त हो गया है। अभी का इधर 8-10 दिन का देखा जाए रिकॉर्ड, तो 8-10 दिन से सोने चांदी व्यवसाय पे ही ज़्यादा मतलब हमला हो रहा है। राजीव नगर के बाद अब बाकरगंज, राजीव नगर में गोली चला। अब घायल बचेगा कि नहीं बचेगा कोई ठिकाना नहीं। आज यहाँ पे क्या हुआ है? 2 बजे के आसपास की घटना है। ग्राहक बन के आया, छत के ऊपर में होलसेल दुकान है SS ज्वेलर। ग्राहक बन के आया और अपना सब पिस्तौल भिड़ा करके गेट बंद करके सारा माल थैला में रखवा लिया, 2-3 बैग में रखवा लिया और पिस्तौल के जोर पर गेट खुलवा करके बाहर भाग गया। क्या कोई पकड़े भी गए? एक पकड़े गए हैं थाना में। माल बरामद नहीं हुआ है, माल थोड़ा सा 100-200 ग्राम के आसपास। क्या मांग करते हैं आप ऐसे में? व्यावसायिक वर्ग क्या मांग करती है? हम लोग तो पूरे बिहार हम लोग मतलब भय के वातावरण में जी रहे हैं और व्यापारी वर्ग यहाँ से मतलब पलायन कर जाएगा, ये स्थिति रहेगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि अमन चैन शांति के जिंदगी हम लोग जिए, आप इतना सुरक्षा मुहैया कराइए कि हम लोग अमन चैन से व्यवसाय अपना करें, और नहीं तो हम लोग भी अपना रोड पर उतर जाएंगे, हम लोग भी दबाव डालेंगे, सरकार के विरोध में जाएंगे। ये अच्छी बात नहीं होगी। तो देखा आपने जिस